बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय सवाल ने बयान दिया है कि देश प्रधानमंत्री नीतियों पर विश्वास करता है। योगी आदित्यनाथ का भी आभार और बधाई दी। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की नीतियों को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्षों से कई महिला कार्यकर्ताओं ने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। साल 2014 से गरीब कल्याण की जो नीतियां बनाई गई हैं, वे चुनाव में सुनामी बनकर उभरी हैं। पिछले दो वर्षों से कोरोना वायरस के कारण आर्थिक राजस्व की हानि हुई, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी गरीब कल्याण के लिए पीछे नहीं हटे। उसी का नतीजा है कि 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार दो तिहाई बहुमत से बनी है। आज पूरे भारत के लिए होली भी है और दिवाली भी है। संजय जायसवाल ने महिला मोर्चा समेत तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। निस्वार्थ भाव से तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनावों में काम किया। भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि इतने बड़े बहुमत से बीजेपी जीती है। दोबारा दो तिहाई बहुमत से जीत इस बात को बताती है कि भाजपा कितनी मजबूत है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि 2014 से उन्होंने जो गरीब कल्याण की नीतियां बनाई हैं, वह इस चुनाव में एक जो कहते हैं कि सुनामी बन के उभरा है, वही मैं कह सकता हूं। क्योंकि दो वर्षों से कोरोना में जिस तरह से आर्थिक राजस्व की हानि हो रही थी, उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी गरीब कल्याण के लिए किसी कार्य में पीछे नहीं हटे, और उसी का नतीजा है कि आज 40 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारी सरकार दूसरी बार दो तिहाई बहुमत से बन रही है। आज तक कोई सरकार 40 वर्षों से रिपीट नहीं हो पाई है। वहां पर हमारी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, दोनों प्रदेशों की सरकार दोबारा दो तिहाई बहुमत से बन रही है। गोवा में भी हम मेजॉरिटी ला चुके हैं और मणिपुर में भी हमारे दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। यह बताता है कि यह देश माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर कितना ज्यादा विश्वास करता है। मैं माननीय योगी जी का भी आभार और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की नीतियों को उत्तर प्रदेश में उद्योग के वातावरण बनाने में, हाईवेज बनाने में और कानून व्यवस्था को इतना एक मजबूती दिया, जिसके कारण पुनः हम दो तिहाई बहुमत से आने में सफल हुए। मैं साथ ही अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारे लिए भी हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधामोहन सिंह जी हैं, सह प्रभारी एक तीन में से एक संजीव जी हैं, और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पूर्वांचल की जिम्मेवारी हमें मिली थी, उत्तर प्रदेश के साथ जो सटे हुए इलाके थे, वैसे 115 विधानसभा की जिम्मेवारी मिली थी और उसमें भी हम 80 सीटों को जीतने में कामयाब हो गए हैं। और खास करके आज मैं अपनी महिला मोर्चा का भी धन्यवाद दूंगा, उन सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा जो बॉर्डर इलाके में रहते हैं और निस्वार्थ भाव से वो सब उत्तर प्रदेश में जब भी उनको हमेशा समय दिए, और उसी का नतीजा है, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के मेहनत का नतीजा है कि हम इतनी बड़े बहुमत से जीत पाए हैं। और यह भी बताता है कि जो गरीबों का काम करेगा वही उस प्रदेश में राज करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।